मामला रामपुर के मिल्क खानम थाना क्षेत्र का है, जहां मृतक कन्नू एक मीट शॉप पर काम करता था। बीती रात किसी ने धारदार हथियार से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। बजरों ने हत्या का आरोप लगाते हुए मीट शॉप मालिक शेरा दिलीप और ओमपाल के नौकर संतोष ठाकुर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया है। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं। ये जानकारी हुई है कि ये लड़का, इस पे ओमपाल का होटल है, वहाँ पर काम करता था। उससे पहले ये जो प्रधान रिसोर्ट है शेरा का, इसके होटल पर काम करता था। तो ये वहाँ से आकर के ओमपाल के होटल पर आ गया। जब ओमपाल के होटल पर आ गया, ओमपाल के होटल पर आने के बाद इसने उससे अपने मजदूरी के पैसे मांगे। जब इसने अपने मजदूरी के पैसे मांगे तो इसने उसको रात लगभग 10 बजे काफ़ी पीटा, और पीटने के बाद में ये जो है वहीं अब होटल भी सोता है शेरा और इसका नौकर। ओमपाल के होटल पर ओमपाल का नौकर है एक, जो कारीगर है संतोष ठाकुर, ये सोता है। रात को लगभग 1:30 बजे इसकी गला रेत करके हत्या कर दी। ये पता चला है कि इसके जो भाई लोग बता रहे हैं कि इन्हीं लोगों ने इसकी हत्या करी है। मुकदमा दर्ज हुआ, कोई पकड़ा गया? FIR दर्ज हो गई है, दो को पुलिस ने पकड़ लिया है, एक जो है अभी गिरफ्त से बाहर। मौके पर पहुंची पुलिस अपर पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह ने बताया कि मृतक के परिजनों की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हत्या किसी धारदार हथियार से की गई है। एक पुरुष की एक हत्या हो गई है, जिसमें जिस संबंध में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और इसमें 3 लोगों को नामजद किया गया है। इस संबंध में मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है और थाना अध्यक्ष के द्वारा अग्रिम जो कार्रवाई है, साक्ष्य संकलन और अन्य कार्रवाई वो की जा रही है। हत्या की वजह क्या है? अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। जैसा उन लोगों ने लिखा है तहरीर में, जिस तरह से आया है कि कल शाम को उसकी कुछ लोगों से उसका विवाद हुआ था, तो इन लोगों ने जो वादी के जो मृतक के घर वाले हैं उन्होंने उन्हीं पर शंका जाहिर करते हुए उनको नामजद किया है। किस चीज़ से हत्या हुई उसकी? अभी ये भी नहीं जानकारी है, लेकिन जितना उसकी स्थिति देखने से लग रहा है कोई शार्प वेपन से उसकी हत्या की गई है। बाकी चीजें पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट हो पाएंगे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रामपुर से बाबर खान की रिपोर्ट।